गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजी 11th में क्या पढ़ रहे थे हम? प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था? उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, उसके अंदर हमें क्या पढ़ा था कि लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। लीनियर चेन किसकी होगी? अमीनो एसिड की। और कौन से अमीनो एसिड होंगे? होमो पॉलीमर ऑफ, सॉरी, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड यानी कि अलग अलग अमीनो एसिड की क्या होगी? एक चेन होगी। और उस चेन से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का। मिलकर क्या बनाएगी? प्रोटीन। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो लीनियर चेन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो मान लो ये क्या है? अमीनो एसिड है। यहाँ पर क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। H2O क्या होगा? रिलीज होगा। और क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से भी क्या होगा? H2O रिलीज होगा। और C और N के बीच क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और लीनियर में क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड चेन। अमीनो एसिड ये कौन सा टर्मिनल होगा? एन टर्मिनल। ये कौन सा होगा? सी टर्मिनल। तो इस तरह कौन स्ट्रक्चर बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। ओनली एक बॉन्ड क्या होगा इसके अंदर? प्रेजेंट होगा। और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा इसके अंदर? प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो ये लीनियर चेन थी ये क्या हो जाएगी? फोल्डेड फॉर्म के अंदर इस तरह फोल्ड हो जाएगी। और फोल्ड भी दो फॉर्म में होगी। एक तो कौन सी? अल्फा हेलिक्स, ये हेलिकल फॉर्म में। दूसरा बीटा प्लेटेड। दूसरी कौन सी होगी? बीटा प्लेटेड। तो हेलिक्स में क्या होगा कि हेलिकल फॉर्म के अंदर जो अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। बीटा प्लेट में जिस तरह साड़ी की प्लीट होती है उस तरह क्या होंगे? प्लेटेड फॉर्म के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अमीनो एसिड होंगे NHH CRHC OH। यहाँ पर भी क्या होंगे? बॉन्ड होंगे। तो जो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी OH के बीच में भी क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर क्या कौन से बॉन्ड बनेंगे? सबसे पहले तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगी? आपस में अटैच होगी। यहाँ पर भी क्या है? ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। सेकंड क्या होगी? पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड है वो किससे अटैच होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो, जैसे कि जो अमीनो एसिड इनके अंदर क्या है? सल्फर ग्रुप प्रेजेंट, जैसे कि सिस्टीन है, उसके अंदर कौन सा बॉन्डिंग होगी? सल्फर ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर कौन सा होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होंगे? ये अटैच होंगे। इसी तरह इसमें भी क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड के अंदर होगा। सेकंड इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है? कि जब लीनियर चेन क्या हो जाएगी? फोल्डेड हो जाएगी। तो कौन स्ट्रक्चर बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस में पाया जाएगा? केराटिन प्रोटीन के अंदर। केराटिन प्रोटीन कहाँ पर होता है? हमारे हेयर्स में, नेल्स में। तो हेयर्स और नेल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर पाया जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और कौन सा? केराटिन। नेक्स्ट कौन सा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर कब होगा? जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है? इस तरह हेलिकल फॉर्म में है। जब ये हेलिकल फॉर्म आपस में और ज़्यादा कम्पैक्ट होकर किसका फॉर्मेशन कर लेगी? एक उलन बॉल की तरह क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर।
जब ये आपस में कम्पैक्टली अरेंज है तो इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी, सबसे पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। सेकंड कौन सा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। थर्ड कौन सा होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट कौन सा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह सभी क्या होंगे, इसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सभी बॉन्ड से क्या बन जाएगा, एक उलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो किस फॉर्म में होगा, कम्पैक्टली फोल्डेड फॉर्म के अंदर होगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कौन सा होगा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। कौन सा होगा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन है कौन सा स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एक से ज़्यादा, यानी कि सॉरी एक से ज़्यादा क्या होंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर होंगे, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं। क्या होंगे, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो आपस में क्या होंगे, एक ग्रुप के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है, और ये कौन सा पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसके साथ क्या है, ये अटैच्ड है। कि ग्लोबिन के सॉरी ग्लोबिन क्या है, हीम क्या है, इसमें प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, टर्शियरी प्रोटीन है। ये कैसा ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये इसके साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो बीच में क्या होगा, ग्लोबिन होगा, इस एक ग्लोबिन के साथ थ्री क्या होंगे, ये उलन लाइक स्ट्रक्चर, किसके टर्शियरी स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर होंगे, हीम के। इस तरह क्या होंगे, आपस में अरेंज होंगे, इस तरह आपस के में भी क्या होगी, इनमें इंटरेक्शन होगी, और इनकी बॉन्डिंग आपस में भी होगी, और इन टर्शियरी स्ट्रक्चर की आपस में भी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। यहाँ भी बॉन्डिंग होगी और इनके अंदर भी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, यानी कि बहुत ही कम्पैक्टली क्या होंगे, ये अरेंज होंगे, और एक से ज़्यादा क्या होंगे, इनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर अरेंज होकर के आप बना लेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सी बॉन्ड होंगी, सारे वही बॉन्ड कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, आपस में भी जुड़े होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, वंडरवाल फोर्स भी होगा। तो सारे फोर्स यहाँ पर, सारे बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पर आपस में सारे बॉन्ड के द्वारा ये क्या होगा, कम्पैक्टली अरेंज होगा। तो इस तरह क्या बनाया गया, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये सारे क्या थे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या होगा, हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम क्या है, प्रोटीन है, कौन सा, टर्शियरी प्रोटीन है, ग्लोबिन ग्रुप के साथ क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर कम्पैक्टली अरेंज होगा। तो ये सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, अरेंज है। तो इस तरह क्या बनाया गया इन्होंने, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या, यहाँ तक क्या था हमारा, बायोमोलिक्यूल कौन सा, प्रोटीन। थैंक यू।